तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम रिचार्जेबल टॉर्च बनाएंगे और ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा बैकअप देती है, मैंने इसे इस्तेमाल किया है। तो चलो यार देखते हैं कैसे बनाएं, ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका अपडेट आप लोगों को पहले मिल सके। तो देख सकते हैं मैंने 3 इंची का पाइप लिया, करीब 5 सेंटीमीटर, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है, मैंने अपने हिसाब से लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 1.5 इंची का पाइप लिया है, यहाँ पे करीब 16 सेंटीमीटर करीब मैंने लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसको लिया है 16 सेंटीमीटर करीब। उसके बाद मैंने एक PVC का शीट पाइप लिया था, उसको मैंने गैस पर गर्म करके शीट बना लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 इंची का करीब सर्कल बना रहा हूँ। यार अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक मार देना जल्दी से। तो देख सकते हैं मैंने जो 1.5 इंची का सर्कल था हमने इसे बना लिया है और मैंने इसे सैंड पेपर से घिस के बराबर कर लिया है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक LED की, तो ये LED है, ये 4 वोल्ट की LED है, 4 वोल्ट की LED मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। इसमें वायर मैंने पहले से लगा रखे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो इसमें 2 वायर लगा रखे हैं मेरे पास, रेड और ब्लैक वायर नहीं था इसलिए मैंने ब्लू और वाइट लगाया है। और जो हमने सर्कल काटा था उसके बीच में से मैं यहाँ पे एक इसको यहाँ फेविक्विक की मदद से यहाँ पे इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा, चिपका दूँगा अच्छे से, क्योंकि ये निकले ना। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। इसको चिपकाने के बाद उसके बाद स्टार्टिंग में जो हमने पाइप लिया था करीब 3 इंची वाला 5 सेंटीमीटर का, तो हमने यहाँ पे इसका हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मैंने जिसके ऊपर LED फिक्स करी थी तो वहाँ पे मैं इस पाइप के अंदर फिक्स कर दूँगा अच्छे से, क्योंकि हम टॉर्च का आगे वाला हिस्सा बना रहे हैं यानी LED। तो देख सकते हैं यहाँ पे फेविक्विक लगा के मैं अच्छे से इसको फिक्स कर दूँगा। आपको फेविक्विक करीब मार्केट में 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा पूरी बोतल। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छे से यहाँ फिक्स कर लिया है। उसके बाद जो हमने ये पाइप लिया था करीब ये 16 सेंटीमीटर का पाइप, इसके बीच में मैंने एक रेक्टेंगुलर काट रखा है बटन के लिए। तो हमने जो LED बनाई थी उसका जो वायर है इस बटन के होल में से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे आराम से, ताकि वायर टूटे ना। और मैं यहाँ पे इसको फेविक्विक की मदद से अच्छे से फिक्स कर दूँगा। यहाँ पर सीधा हमें परमानेंट फिक्स करना है, तो यहाँ मैं आराम से इसको फिक्स कर दूँगा, कोई दिक्कत ना हो। और ध्यान रखें कि आराम से करना। तो देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी जो टॉर्च की बॉडी है वो करीब करीब सही हो रही, सही से बन रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्लाइड स्विच इस्तेमाल करूँगा, ये मेरे को 3 रुपये का मिला था लाजपत राय मार्केट में। अगर अनबॉक्सिंग की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है और प्लेलिस्ट बहुत सारे दे रखे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन कर दूँगा, एक टर्मिनल पर एक वायर कनेक्ट करूँगा और दूसरे टर्मिनल पर एक ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर कनेक्शन देख सकते हैं ईजी से हो गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। तो यहाँ पे मैं वायर जो है इसके बाहर से निकाल लूँगा और जो स्विच है अपना मैं यहाँ पे फेविक्विक की हेल्प से यहाँ पे इसको अच्छे से फिक्स कर दूँगा, चिपका दूँगा, दोनों साइड चिपका दूँगा। यहाँ पे मैं स्क्रू का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आपके पास हो तो आप इस्तेमाल कर लेना। देख सकते हैं हमारी बॉडी लगभग फाइनली तैयार हो गई है, अब सिर्फ सर्किट बनाना रह गया है। तो सर्किट बनाने के लिए मैं यहाँ TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल इस्तेमाल करूँगा। ये लगभग आपको लाजपत राय मार्केट में करीब 40 से 50 रुपए के बीच में मिल जाएगा आपको, और ऑनलाइन 60 से 70 रुपए में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सर्कल कट किया है और मैंने जो चार्जिंग है उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने होल किया है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको फिक्स कर दूँगा, यहाँ पर हमारा जो मॉड्यूल है यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अब फेविक्विक लगा दूँगा दोनों साइड, यहाँ पे एक साइड यहाँ पे आराम से लगाना, अगर ज़रा सा भी इसके अंदर चला जाएगा तो ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है ख़राब हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आराम से दोनों साइड में कॉर्नर पे लगा देना है, उसको थोड़ी देर सूखने देना। उसके बाद मैं 18650 की बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे को करीब 20 रुपये की मिली है लाजपत राय मार्केट में, पुरानी मिली है मेरे को, ये पुरानी मैंने परचेज़ करी थी। तो यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ, तो ये B+ और B- जो लिखा पड़ा है तो यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन होंगे, तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे जो है कनेक्शन मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगा रहा हूँ ताकि ये जो है इसको हमारे पाइप के अंदर अच्छे से फिक्स कर सकें। तो वायर हमने जो 2 निकाले थे मैं उसको यहाँ पे आराम से यहाँ पे लगा के पहले कनेक्शन कर लूँगा। तो यहाँ पर आउटपुट माइनस में मैं माइनस ब्लैक वायर लगाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन ईजी है, कनेक्शन ज़्यादा उतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है टॉर्च जो बना है ये कम एकदम बजट में बना है, आपके करीब 100 रुपये से कम में बन गया है आपका आराम से, 100 रुपये से कम में, हाँ 100 रुपये से कम में आपका ये बन गया है आराम से। देख कनेक्शन दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को जूम करके। तो यहाँ पे दो कनेक्शन तो बैटरी के हैं और एक आउटपुट माइनस में वायर जोड़ा है और एक आउटपुट प्लस में एक वायर जोड़ा है ब्लू कलर का। तो कनेक्शन बहुत ईजी है। अब यहाँ पर मैं फ़िक्स कर दूँगा इसको डबल साइडेड टेप निकाल के, इसका जो रैपर है इसका निकाल के अंदर पाइप के अंदर इसको फिक्स कर दूंगा, चिपका दूंगा। उसके बाद जो हमने सर्कल कट किया था मैं यहाँ पे इसके बराबर में यहाँ पे फेबिक्यूक लगा के अच्छे से एकदम अच्छे से यहाँ पे पकड़ के आपको एक बराबर से यहाँ पे फेबिक्यूक लगा देना है। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो अभी तो जल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा उसके बाद अगले स्टेप की बात बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप। तो ये मेरे पास एक शीशा पड़ा था, मेरे पास घड़ी पुरानी पड़ी थी तो उसका शीशा था और इसी के साइज़ का बैठ रहा था, तो मैंने सोचा इसको लगा दूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, लुक भी है बढ़िया इसका। तो यहाँ पे मैंने फेविक्विक लगा दिया है और मैं यहाँ पे जो शीशा है वो यहाँ पे मैं चिपका दूंगा। अगर आपके पास शीशा वगैरह ना हो आप एलुमिनियम फॉइल का या फिर पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा जो टॉर्च है कम्प्लीट हो चुका है बढ़िया से, और मैं आप लोगों को इसमें दिखा दूँ कि आप लोग काफ़ी सफाई से बना है और इसमें आप चार्ज भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बैटरी बदलनी पड़ेगी, आप इसको सिर्फ एक बार चार्ज पे लगा के यूएसबी अपने जो मोबाइल का जो चार्जर होता है उसे चार्ज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसकी रोशनी कैसी है, तो अभी तो काफ़ी डिम लग रही है। चलो यार इसको अंधेरे में चेक करके देखते हैं कि कैसी जलती है। यार वीडियो को एक लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई तो, और कोई प्रोजेक्ट हो तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। तो देख सकते हैं अंधेरा था बिल्कुल और बेसमेंट में पूरा उजाला हो गया है और इसकी जो रोशनी है काफ़ी बढ़िया है। और इसका इस्तेमाल आप नाइट लैम्प के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, और कहीं हाइकिंग वगैरह पे जाते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है इसकी और लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ है ये, और ये एक बार चार्ज करने पर करीब 5 से 6 घंटे के चला देगा आराम से, एक बैटरी चला देगी इतना। तो काफ़ी बढ़िया है यार। अगर आपके पास और कोई ख्वाहिश है प्रोजेक्ट बनवाने की तो कमेंट करना, कमेंट पढ़ के मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट बना सकूँ। बस यार आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ध्यान रखना एंड गुड बाय।